सर नमस्ते, आप मराठी में पूछ सकते हैं पटोले जी ट्रांसलेट, नहीं हिंदी बात कर सकता हूँ मैं। अच्छा नहीं, इट्स बेटर। सर तुम्ही म्हणता की भारत जोडा भारत जोडा, परंतु तुमचे सगळे विरोधक असे म्हणतात की भारत तुटलाच नाही, जोडण्याचा कुठे प्रश्न आहे? भारत नेमका कुठे तुटलेला आहे असं वाटतं तुम्हाला? समझ गए समझ गए, मराठी समझता हूँ मैं। तो आपने कहा कि भारत जोड़ों की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की ज़रूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चेरा पे साकल, भैया ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, मराठी में। नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा योग है, पॉजिटिव है। आप आज यहाँ आए 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव योग। देखिए, पॉजिटिव बात है, प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थी, कुछ चीज़ थे और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज़, ये उन हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। नो इवेंट। ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार, लोकसत्ता। सॉरी, नमस्कार राहुल जी। माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजपा जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो, तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख अजेंडा काय राहणार आहे पक्षाचा? कमजोर पड रहा है अपना पक्ष, विपक्ष का समजत आहे। सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस? या कांग्रेस, अपन विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका काम है मोदी सरकार के। नहीं देखिए, ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में,
एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है, और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं। बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है, मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर, पुण्य नगरी। कन्याकुमारी पासून तुम्ही जी पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची, सॉरी एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूँ, देखिए हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने, ठीक है, जब हम वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो GST की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष का कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। राहुल जी, कन्याकुमारी पासून तो आता मध्य महाराष्ट्र पर्यंत तुमची भारत जोड़ो यात्रा सुरू आहे, या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाणी? सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़े मुझे दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि युवा को ये भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझमें कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है, उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता, वो बीमा भरता है उसको जब आंधी आती है तूफान आता है उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे, महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहाँ डाल रहे हैं ये जा कहाँ रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है।
और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूँ, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं। मेगा कोचिक Z24। सावरकर के बारे में बोला ना, तो डॉक्टर बोलते मैं सहमत नहीं, और पन्ने बोलता है कि हमें लोग जगह देते हैं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये देखा आपने, दिख रहा आपको, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट VD सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मि पुराणिक, साम टीवी। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन नुमाटे, TV9। मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है, ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहाँ पर हम तिरंगे को लहराएंगे, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है, और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। मुस्तान मिर्जा, आज तक। मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी, और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था, पर इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, हमने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, हम इस यात्रा को श्रीनगर तक ले जाए, पूरा करना चाहते हैं। ज़रूर अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें कहेंगे कि हमें गुजरात जाना है, हिमाचल जाना है, तो हम जाएंगे। अभिजीत करंडे, ABP भाजन। राहुल गांधी तो निकल पड़े, उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है पार्टी के लिए, क्या ये प्रोग्राम गांव देहात तक जाने के लिए, क्योंकि यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, बहुत सारे तबके तक नहीं जा रही है, तो क्या कांग्रेस का कोई प्लान है आगे वाला, जो ये यात्रा है हर आदमी तक, हर गांव तक, हर शहर तक, हर तबके तक, हर आदिवासी पाड़े तक जाए, और आपका विचार जो है, जो आप बोल रहे हैं, वो पहुंचे वहां। यात्रा
एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, एक कह दो एक इमेजिनेशन है। तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो, उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है, आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही MSP मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो, तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है, तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात यह कहना चाहता हूँ, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहाँ पे आपको सावरकर की जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। लेकिन सावरकर जैसे नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, सावरकर नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री, रविंद्र अंबेडकर जब आते हैं तो विपक्ष फूट भी पड़ जाता है। सुनिए प्लीज, नो सप्लीमेंट्री, जरा बोलिए। देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते, और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया, और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं, हम डिक्टेटर नहीं है यहां पे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिए, क्योंकि और लोगों का टाइम घटेगा। मराठी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल, रविंद्र अंबेडकर जी। जी, आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक उस विचारधारा की पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा,
और दूसरा है भारत जोड़ो में क्या नया एक सवाल रविंद्र प्लीज एक सवाल आपके पूछ लिया नया यूपीए उसका जवाब देने चाहिए एक सवाल अभी मेरे साथ एक शिवसेना के एमएलए चल रहे थे वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था वो नहीं गए बहुत सारे और गए तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है जो भी करप्ट लोग हैं जो 10 करोड़ के लिए 15 करोड़ के लिए 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं वो बीजेपी जा रहे हैं अच्छी बात है हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है हमारे साथ आ जाएंगे हमारे पास 12-13 मिनट का समय बाकी है अब मैं हिंदी और अंग्रेजी मीडिया से सवाल लूंगा अखिलेश मिश्रा नव भारत है क्या पूछिए ना आगे आगे पूछिए जब तक आगे आएंगे मैं अगले सवाल से पूछूंगा संतोष गवाई दैनिक भास्कर उनको माइक दीजिएगा जल्दी 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 ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूँ संतोष गवाई दैनिक भास्कर प्लीज अपन एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए माइक नहीं है क्या अपन जीते थाम लो तो जल्दी दीजिए हाँ दैनिक भास्कर सही बात है ना देखिए सच्चाई है राहुल जी सवाल लिख हाँ राहुल जी अपन जिते थाम एक मिनट आई एम कमिंग बैक टू यू आई एम कमिंग बैक विदर्भा मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड होतात हे 6 जिल्हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी हे होते आता पूर्ण देशभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात तर त्यासाठी आपल्याकडे काही आपल्या डोक्यात काही प्लॅन आहे का शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी मैंने हिंदी अखबार से सवाल पूछा इस उम्मीद के साथ कि आप हिंदी में पूछेंगे और आप मराठी में पूछ लेते कोई बात नहीं मराठी अखबारों के लोग हिंदी में पूछते हैं ठीक है पटोले जी अनुवाद कर आपने विदर्भा बोला तो मैं विदर्भ के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं जब हम विदर्भ के बाउंड्री पे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमें वहां पे अंदर आने से पहले वहां पे आपका एक गीत सुनना है आप थे वहां पे नहीं आप नहीं थे वहां पे गीत सुनना है तो मैं वहां पे मैं गीत सुन रहा था और मेरे दिमाग में सवाल था उस टाइम जब वो गीत गा रहे थे मुझे गीत बहुत अच्छा लगा और जब वो गा रहे थे मेरे दिमाग में सवाल था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो वर्धा क्यों गए मेरे माइंड में क्वेश्चन था कितनी जगह है हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं वो यहाँ क्यों आए तो मैं मेरे दिमाग में ये सवाल था और मैं सोच रहा था और फिर गीत के बाद वहां पे एक बड़ा सा आपने गेट लगा रखा था जी और गेट के जैसे ही मैं अंदर गया 10 मिनट नहीं हुए मुझे बात समझ आ गई कि जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली विदर्भ में है और जो नेचुरल कांग्रेस ही होता है वो सब विदर्भ में बैठे हुए हैं अब आपने बोला विदर्भ के किसानों की बात की विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है विदर्भ में पानी की समस्या है उसके बारे में कुछ किया जा सकता है मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है आजकल हमारी मेंटालिटी सरकार की मेंटालिटी कि भाई यहाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो करने दो सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो
कर्ज माफी की जरूरत है, नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है, और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं, और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करें। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को, तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिरी नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की, आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था, और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था यूपीए ने एकदम यहाँ पे पैकेज दिया था। अखिलेश मिश्रा, नवभारत। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में पार्टी आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है, आपकी यात्रा उधर से क्यों नहीं जा रही है? ये जो यात्रा है ना, ये इसका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का है। नहीं, आप चले गए, सवाल पूछ लिया। हाँ, जवाब नहीं चाहते क्या? तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी, और कन्याकुमारी से ये शुरू हुई है। अब मुझे पता नहीं ये किसने बात बोल दी कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेगी, मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलेगी, उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से जम्मू जाएगी। तो पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मगर ये यात्रा यूपी में जाएगी। गजानन अवस्थी, लोकमत समाचार। एक मेरी एक्चुअली शिकायत है कि यूपी में थोड़ा और जाना चाहिए था, बट अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो वो रास्ता फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यूपी में शायद 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, 3-4-5 दिन जाएंगे। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि उनके जवाब के कारण हम इसको 5 मिनट बढ़ा सकते हैं तो। हाँ हाँ, बढ़ा दो। ठीक है, गजानन अवस्थी प्लीज, लोकमत समाचार। हेलो सर, राज्य के अभी की जो खस्ताहाल, एक मिनट प्लीज, गजानन अवस्थी सर, राज्य की जो खस्ताहाल स्थिति है अभी महाराष्ट्र की, तो ये पदयात्रा का उस पर कुछ असर होगा क्या, वर्तमान राज्य की स्थिति पर? नहीं, राज्य मतलब महाराष्ट्र के राज्य, ये थी कि कम, हाँ, पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा, और ये मैंने जयराम रमेश जी से कहा, मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा रिस्पांस महाराष्ट्र में मिला है, नेचुरल कांग्रेस है ये, और मुझे मतलब ये बात बहुत समझने को मिली है, ये यहां पे नेचुरल कांग्रेस है, मतलब ये डीएनए है कांग्रेस का, तो यहां कांग्रेस पार्टी मजबूत कमजोर बिल्कुल नहीं। वैभव गंजापुरे, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्लीज। देखिए, फ्यूचर तो आप प्रेडिक्ट करते हो, मैं तो करता नहीं हूं, मगर असर जरूर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। वैभव गंजापुरे। राहुल जी, जब आपका यात्रा खत्म होगा कश्मीर में, तो आप क्या बदलाव देखते हैं भारत में, और कांग्रेस पार्टी को कैसा? एक सवाल, अंग्रेजी मीडिया भी हिंदी में पूछ रही है, अच्छा है, ठीक। ओके, हाउ इट विल बेनिफिट द कांग्रेस व्हेन यू एंड योर यात्रा इन श्रीनगर? लुक, आई एम नॉट ए सूथसेयर, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर,
But you must have thought something. You must have asked a question. Let me answer the question. My job is to do what I see as my duty. And I felt that my duty, in a time when India is internally fractured, in pain, where violence is being spread across the country, where hatred is being spread across the country, I felt it is my duty to show that there is another way possible. That there is a way possible where you are affectionate and loving to people, where you can disagree with them, where you can say, I actually don't like your views, but I can still go to you and say, I don't like your views, but I'm ready to listen to your views, and I'm not going to beat you because I'm more powerful. I'm not going to thrash you because I'm more powerful. So I thought it was my duty as an Indian citizen to place that on the table. And that is the idea of the Bharat Jodo Yatra. Now, please don't misunderstand. It is not only my duty, and it is not only I who is thinking this. Large number of Congress people feel the same thing. And millions of people, farmers, youngsters, men, women, feel the same thing. So I think it has been, it's a very powerful thing, the Yatra. And I think if people think about it with a little bit of depth, they will realize that the principles that we are putting across here are not just political principles. They are principles that you can use in your life. They are principles that you can use with your brother, with your sister, with people you are working with. A little respect will not weaken India. It will only strengthen India. A little bit of affection, a little bit of love will only strengthen India. So that's the idea. Now what happens after the Yatra? Let's see. Abhinay Deshpande, Hindu? Deshpande, huh? Abhinay Deshpande nahi aaya. I don't understand why people feel that hatred makes a country strong. I don't understand it. Right? I don't understand why people feel that being abusive, being nasty, being cruel makes a country strong. I think it makes a country weak. I think it is cowardice. And I think that's not what India is. I think India has shown the whole world. I remember I asked Nelson Mandela after he came out of jail 26 years. Right? I asked him, Mr. Mandela, you were in jail for so long, what gave you hope? He said, India's freedom struggle gave me hope. I said, what do you mean by that? He said, well, what Mahatma Gandhi taught, the fact that you should be compassionate even to your opponent, you should respect even your opponent. These are Indian values. They are the most powerful values. And in the world that we are facing today, with the United States and China and war here and there, this is the most powerful thing that we have. Why are we throwing it away? Rahul ji ne aapke saath 40 minute guzare hain. Main Rahul ji se nivedan karunga. Please, 40 minute ho gaye hain. Please, maine pehle kya kaha hai? Please. नहीं बिल्कुल नहीं, आप एक ही ग्रुप के हैं। देखिए, नियम मत तोड़िए। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, आखिर मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर वो कोई संदेशा देना चाहते हैं, दो मिनट बोल ले। नहीं, कोई सवाल नहीं, 40 मिनट हो गए हैं। सवाल आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए, सवाल किससे करना है उनसे कीजिए। महाराष्ट्र, प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के जो किसान हैं और महाराष्ट्र के जो युवा हैं, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि मैं अब 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूं। मैं 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ, और तीन दिन में हमारा यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगा, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। इन सड़कों पे मैंने आपसे खुल के बातचीत की है, लाखों लोगों से मिला हूँ, युवाओं ने अपने सपने मेरे सामने रखे,
किसानों ने अपना दर्द मेरे सामने रखा और आपने सबने मुझे बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट दिया है। आपने मुझे इन सड़कों पे सिखाया है शिवाजी महाराज के बारे में, ज्योतिबाई फूले जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में आपने सिखाया है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र के सड़कों पर चलने से पहले और 14-15 दिन बाद जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और आपका जो प्यार है मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। ये डोंट डिस्टर्ब ब्रदर, डोंट डिस्टर्ब। शुक्रिया राहुल जी, अभी आपका फोटो तो नहीं। तो मैं दिल से महाराष्ट्र की जनता को, और लास्ट में जो पुलिस ने हमारी मदद की है, जो चले हैं हमारे साथ, उनको भी काफी धक्के लगे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।